हेलो गाइस, मैं हूँ प्रियंका यादव। रीजनिंग एंड कंप्यूटर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे 23 सितंबर इवनिंग शिफ्ट का जो हरियाणा एसएससी क्लर्क का एग्जाम हुआ था उस पेपर के ऊपर। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बिन 3/4 से बड़ा और 5/6 से छोटा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका, 4/5, आपका आंसर सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में महेंद्रगढ़ किसके लिए प्रख्यात है, तो किसके लिए है, लाख की चूड़ियों के लिए, तो आपका आंसर ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह दो संख्याएं कौन सी है जिनका योग 32 और गुणनफल 256 है, तो आपका आंसर क्या रहेगा आपका, 16। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, हरियाणा में बल्लारपुर पेपर मिल कहाँ स्थित है, तो 5 का आंसर क्या रहेगा आपका, बी, यमुना नगर में स्थित है। नेक्स्ट है आपका, थर्ड पिलर पुस्तक के लेखक कौन है, तो थर्ड पिलर के कौन है, रघुराम राजन, आपका आंसर बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टूटते बंधन उपन्यास के लेखक कौन है, तो कौन है, हेमराज निगम, आपका आंसर डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पॉइंटर संकल्पना में इनडायरेक्शन ऑपरेटर को वापस करता है, तो ये होगा आपका लोकेशन ऑफ द वेरिएबल, तो आपका आंसर क्या रहेगा, बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यमुनानगर के जगाधरी में रेलवे कैरेज एंड वैगन वर्कशॉप किस वर्ष स्थापित किया गया था, तो किस वर्ष स्थापित किया गया था, 1952, आपका आंसर ए रहेगा। नेक्स्ट है, किसी एक निश्चित भाषा में ट्रेस को लिखा गया है तो रोस्ट को क्या लिखा जाएगा, देखिए अपोजिट लेटर्स है, टी का अपोजिट जी, आर का आई, ए का जेड, सी का एक्स और ई का वे, तो आर का क्या होगा, आई एल जेड एच टी जी सॉरी, तो आपका आंसर ए रहेगा, इसमें 12th का रहेगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13th, इनका एडिशन करने के बाद एक्स की वैल्यू आपको बतानी है, सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा डी, 6/19। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व शांति अहिंसा सम्मेलन 2018 निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया गया था, तो आंसर क्या रहेगा, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट आपका, फ्रांस में चर्च द्वारा किसानों से कौन सा कर वसूल किया जाता था, तो कौन सा, तिथे, आपका आंसर ए रहेगा, 10 मांस कर। नेक्स्ट है आपका, गुजरी महल कहाँ पर स्थित है, तो गुजरी महल कहाँ स्थित है, आपका आंसर रहेगा सी, हिसार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जावा में इन जावा इनपुट स्ट्रीम रीडर ट्रांसलेट बाइट्स टू ये करेक्टर में ट्रांसलेट करता है, तो आपका आंसर सी रहेगा। नेक्स्ट है, किस संविधान ने भारत के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विचार को अपनाया, तो किसको अपनाया, आयरलैंड का संविधान, तो आपका आंसर क्या रहेगा, ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में निम्नलिखित में से किस खेल प्रतियोगिता के साथ ईरानी ट्रॉफी जुड़ी है, तो किसके साथ जुड़ी है, क्रिकेट के साथ जुड़ी है, तो आंसर ए, हरियाणा का कौन सा जिला लोहे के पाइपों का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, सी, हिसार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान वैज्ञानिक और सर्जिकल उपकरणों का सबसे बड़ा उत्पादक है जिस वजह से वे विज्ञान शहर कहलाता है, तो 23 का आंसर रहेगा डी, अम्बाला। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 24 सबनेट का परिचालन कौन सा लेयर करता है, तो ये नेटवर्क लेयर आपका करता है। नेक्स्ट है, वह शब्द चुनिए जो अन्य शब्दों से कम मिलता है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, पीतल। नेक्स्ट है आपका, यदि एक निश्चित भाषा में रिमोट का कोड दिया है तो और PNICIC का कोड पूछा है, तो एक्चुअल में इसका कोड आना चाहिए था PICCIN, लेकिन ये ऐसा कुछ ऑप्शन में नहीं दिया, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, आपका आंसर क्या रहेगा, ए रहेगा। नेक्स्ट है, हरियाणा में पीतल नगरी कौन सी है, तो कौन सी है, रेवाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि वैल्यूज़ दी है तो एक्स का मान आपको बताना है, देखिए स्क्वेयर है, आप इनको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर बनेगा 68, बी आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंडीगढ़ उच्च न्यायालय के भवन का डिजाइन किसने किया था, तो ली कार्बुलियस ने किया था, बी आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, ये आपका प्रोग्राम है, जो आप इसको रन करवाएंगे तो एरर आएगा इस प्रोग्राम के अंदर, तो आपका आंसर बी रहेगा।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की सूची में अंतर्गत नहीं किया है? तो किसको नहीं किया है? 32 का ए रहेगा, धार्मिक अधिकार को ए। नेक्स्ट है आपका बिंदु 11 के माध्यम से गुजरने वाले वक्र का समीकरण क्या है, जिसका अवकल समीकरण दिया है, ठीक है, तो 33 का रहेगा आपका डी। नेक्स्ट है आपका 34, जब एक पाशे के युग्म फेंके जाते हैं तो प्रत्येक पाशे पर एक सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता होती है, तो सम संख्या आपकी कौन सी होती है? 2, 4, 6 होती है, तो कितना हो जाएगा आपका इसमें? जब एक पासे के युग्म में फेंके जाते हैं तो इसमें देखिए, इसमें थोड़ी हिंदी इंग्लिश में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। हिंदी में लिखा है एक सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, और इंग्लिश में क्या लिखा है? एन इवन प्राइम ऑन ईच डाइस, ठीक है, तो दोनों का एक अलग अलग अर्थ होगा। इवन प्राइम तो आपका 2 ही होता है, तो इस अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए आपका आंसर? 1/36 होना चाहिए। नेक्स्ट आपका साइमन कमीशन में संसद के कितने ब्रिटिश सदस्य थे? 35 का क्या रहेगा आपका? बी आंसर रहेगा, 7 थे। नेक्स्ट है आपका 36 में, हरियाणा में 50 किलोमीटर तक बहने वाली गैर बारहमासी नदी कौन सी है? तो कौन सी है आपकी? दोहान नदी है। 36 का क्या रहेगा? ये आंसर रहेगा। नेक्स्ट है 37, यूके के द्वारा विकसित वैश्विक लिंग समानता सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो 95वां स्थान है। नेक्स्ट है आपका 38, WHO और यूनिसेफ के हाल ही में संपन्न अस्थाना डेक्लेरेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? 38 का रहेगा सी, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को मजबूत करना, सी आपका आंसर रहेगा। 39, जो आप इनको सॉल्व करेंगे तो आपका फर्स्ट वाला सही आएगा, बाकी सब में मिस्टेक मिलेगी। 40, समुद्री मार्गों से भारत आने वाला पहला यूरोपियन देश है, तो आपका आंसर रहेगा पुर्तगाल, ठीक है। नेक्स्ट 41, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समकालीनों द्वारा लिखित विषयक स्रोतों को संदर्भित करता है, जिसमें कालों का इतिहास सम्मिलित होता है? तो 41 का क्या रहेगा? बी रहेगा, चर्मपत्र। नेक्स्ट, वह नदी जो सोलन जिले में दक्षाई नामक स्थान के पास शिवालिक श्रेणी में जन्म लेती है, उसका क्या नाम है? तो 42 का आंसर रहेगा बी, घग्गर। नेक्स्ट है 43, क्षेत्रफल के संदर्भ में भारत में हरियाणा का स्थान कौन सा है? तो 43 का रहेगा सी, 21वां स्थान है। ऑप्टिकल फाइबर किस पर आधारित है? तो ये आंसर रहेगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। 45 का है, 6 और 34 के बीच की सभी संख्याओं का औसत क्या है जो 5 से विभाज्य है? तो 45 का आंसर क्या रहेगा आपका? 20। नेक्स्ट आपको समरूपता देखना है, हीमोग्लोबिन आयरन से रिलेट करता है, तो क्लोरोफिल किससे करेगा? तो मैग्नीशियम से करेगा आपका। नेक्स्ट है आपका, हरियाणा में पवित्र मानी जाने वाली नदियाँ दृश्वती और कौन सी है? तो 48 का बी रहेगा, सरस्वती है आपका। नेक्स्ट है आपका, श्रृंखला कंप्लीट कीजिए, तो ये आपका गैप से रिलेटेड होगा, तो 49 का आपका आएगा बी, 116। नेक्स्ट है चौथी कोटि 50, इसमें थोड़ा सा डाउट है, आगे चलते हैं। 51 का, यमुनानगर के से फरीदाबाद तक बहने वाली यमुना नदी बाढ़ प्रवण क्षेत्र का निर्माण करती है, ये प्रवण क्षेत्र 2 हिस्सों में विभाजित होते हैं, इनमें निचले हिस्से को क्या कहा जाता है? तो इसको खादर कहा जाता है। श्रृंखला को कंप्लीट कीजिए, ये भी आपका गैप से हो जाएगा, तो 52 का डी रहेगा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 236। नेक्स्ट है 17 मीटर के रंगीन मॉनिटर वाले पीसी को यूपीएस की आवश्यकता होती है, तो डी आंसर रहेगा, 600 वोल्ट एम्पियर की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है अरावली पहाड़ी का सबसे ऊंचा क्षेत्र जिसकी ऊंचाई 652 मीटर है, तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको धसी पहाड़ियाँ कहा जाता है, आपका आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट आपका 55, निम्नलिखित में से किस राज्य में सिंगालीला राष्ट्रीय पार्क स्थित है? तो किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में, तो आपका आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट है, गले में परिधान किए जाने वाले ऊन से बने मफलर को क्या कहा जाता है? तो 56 का क्या कहा जाता है? डी, सफा। नेक्स्ट है 57, निम्नलिखित में से किस समिति ने हाल ही में राष्ट्रीय शैक्षिक नीति का मसौदा प्रस्तुत किया है? तो 57 का रहेगा सी, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन समिति,
थ्री टायर सर्वर क्लाइंट डेटाबेस में मध्यवर्ती परत, तो ये क्या होती है आपके इंटरमीडिएट जो लेयर होती है उसको एप्लीकेशन सर्वर कहा जाता है, तो आपका आंसर बी रहेगा। नेक्स्ट है आपका ग्रिग्नार्ड अभिकर्मों में अभिक्रिया करके एल्काइल साइनाइड बनाता है, तो एल्काइल साइनाइड क्या बनाता है आपका, कीटोन बनाता है, आपका आंसर रहेगा सी। हरियाणा का कौन सा ज़िला गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो कौन सा है, सिरसा है ए। शिवालिक की पहाड़ियां बहुत सी नदियों का स्रोत है, ऐसी एक नदी है, तो 62 का क्या रहेगा ए, टांगरी नदी है। नेक्स्ट आपका इसको सॉल्व कर लेना, इजी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा अधिकार को संदर्भित करता है, 64 का क्या रहेगा आपका डी रहेगा, कानूनों की संवैधानिकता की जांच करने का अधिकार। दूसरे अंत से कमांड पास हो रहा है यह निश्चित करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उत्तरदायी है, तो आपका रिस्पॉन्सिबल होता है TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है तीन क्रमिक सम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 200 है, वह संख्या ज्ञात कीजिए, तो क्या रहेगा आपका सी आंसर रहेगा 6, 8 और 10। हरियाणा में किस वर्ष बीज योजना शुरू की गई थी, तो 67 सी 2011 में शुरू की गई थी। राष्ट्रीय डेयरी संस्थान कहाँ स्थित है, तो करनाल में स्थित है, 68 का रहेगा ए। नेक्स्ट है कौन सा रोग पशुधन के बीच बहुत आम है, तो कौन सा रोग है आपका 69 का रहेगा सी, ब्रुसेलोसिस और मुंहपका खुरपका रोग दोनों ही है। नेक्स्ट आपका फाइल मोड पैरामीटर iOS ऐप प्रकार के स्ट्रीम से संबंधित है, देखिए इसमें ये ऑफ स्ट्रीम भी हो सकता है, इज स्ट्रीम भी हो सकता है, दोनों में से किसको प्रेफरेंस मिलती है वो आंसर की के ऊपर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट है प्रत्यास्थ मॉडुलस ऑफ इलास्टी की SI यूनिट क्या है, तो इसकी SI यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर, लेकिन न्यूटन पर मीटर ऑप्शन में नहीं दिया है, तो आप आंसर क्या मार्क करेंगे, ओनली न्यूटन। नेक्स्ट है NO प्लस प्रकृति में 72 का आंसर रहेगा, ये क्या है डायमैग्नेटिक है, तो आपका आंसर रहेगा ए, प्रतिचुंबकीय। हरियाणा पूर्व में किससे घिरा है, तो हरियाणा पूर्व में किससे घिरा है, उत्तर प्रदेश से घिरा है, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है आपका यदि तार के एक्स मीटर की लागत डी रुपए है, तो उसी दर पर वाई मीटर के तार की लागत क्या होगी, एक्स तो एक्स वाई पोंडी, तो आपका आंसर क्या रहेगा ए, 74 का ए। नेक्स्ट है 75 इंग्लिश के क्वेश्चन है, 75 का रहेगा आपका बी, 75 का रहेगा आपका आंसर बी बी। ऐसे ही आप 79 का देखेंगे तो 79 का आपका आंसर रहेगा सी, साथ साथ करते चलते हैं। नेक्स्ट आपका 76 का आंसर आपका रहेगा डी, 76 का रहेगा डी। ऐसे ही 80 का आप देखेंगे तो 80 का रहेगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 का रहेगा आपका ए, स्लो, ठीक है। ऐसे ही आप 81 का देखेंगे तो 81 का रहेगा डी, आपका 78 का रहेगा सी, और 82 का रहेगा आपका लाइफ इज़ अ ड्रीम ऑफ, तो क्या रहेगा आपका मेटाफोर, 82 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 का सी रहेगा विद। नेक्स्ट है आपका 83 का खोटा शब्द का विलोम शब्द है, तो क्या होगा खरा, 83 का ए। ऐसे ही आप देखेंगे 87, तो 87 का आपका रहेगा डी, 84 का रहेगा आपका सी, करता। ऐसे ही 88 का आप देखेंगे तो 88 का सी रहेगा, बहुत सम्मान देना, सिर आँखों पर बैठाने का मतलब है बहुत सम्मान देना। नेक्स्ट आपका 85 का रहेगा ए, वचन। ऐसे ही 89 का रहेगा बी, संधि। 86 आपका रहेगा यश प्लस अर्थी, तो यशार्थी, तो 86 का रहेगा आपका बी, यशार्थी। नेक्स्ट है 90 का रहेगा ए आपका, इसमें ये करता है, ठीक है।
तो फ्रेंड्स ये आपका पेपर था 23 सितंबर इवनिंग शिफ्ट का, अपना चेक कर लीजिए आप कहाँ मिस्टेक है कहाँ सही है। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आगे जो भी अपडेट मैं अपलोड करूँगी आप लोग अपडेट रहे उन सब चीज़ों से। ओके थैंक यू फ्रेंड्स।